यदि आपने इस पौधे को नहीं लगाया है, ये पुदीने का पौधा है और देखने में भी कितना खूबसूरत है, इसकी स्मेल भी बहुत खुशबू वाली होती है, अच्छी लगती है, और गर्मियों में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही मेडिसिनल उपयोग में आएगा, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसकी चटनी बनती है, सिकंजी भी बना के लोग पीते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू में काम आता है, और इसके शरबत से लू में बहुत ही फ़ायदा देता है, लू नहीं लगती। इसकी मिट्टी की बात करें तो 40% सॉयल, 30% रेत, 20% कंपोस्ट और 10% आप राइसिस या कोकोपीट भी ले सकते हैं। और इसकी जो मिट्टी होती है इसमें नमी बने रहना चाहिए। आप इसे कटिंग से या पुदीने में जड़ ग्रो करके भी लगा सकते हैं, और इसका एक नॉट एरिया अंदर ज़रूर होना चाहिए। और इसको जब लगाएंगे तो एक दो दिन आप शेडेड एरिया में रखेंगे, जिससे कि इसकी ग्रोथ जल्दी पकड़ ले, और इसको मिट्टी को सूखने नहीं देना है, थोड़ी बहुत नमी ज़रूर बना के रखें। और इसकी जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है, और इसकी सिकंजी भी बनाई जाती है। इसके पत्तों को पीस के चोट पे लगाया जाता है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।